तो गाइस यहाँ पे जितने भी स्टाफ से इंडिगो के ऑलमोस्ट सब कोई पहचान रहे हैं। हम लोग उधर से जा रहे थे तो बोला सर इधर आ जाइए, फिर फोटो भी क्लिक कर दिया। बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग कहीं जाते हैं सब कोई पहचान लेता है तो बहुत अच्छा लगता है। एक अलग से मतलब कि बोल सकते हो कि फर्स्ट प्रायोरिटी मिल जाता है हर एक जगह। चलिए फिलहाल अभी हम लोग प्लेन के अंदर जा रहे हैं। फाइनली अभी हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट में यहाँ पर लैंड हो चुके हैं। काफ़ी लेट हुआ, मतलब लगभग 30 मिनट डिले चल रहा ना। यहाँ पर भी खड़ा करके रखा था, अभी प्लेन यहाँ लगा ना तो 5 मिनट लगभग 10 मिनट तक खड़ा करके रखा हुआ है ना, 5 मिनट से ज़्यादा। अभी चलिए कैब करते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से डायरेक्ट हम लोग होटल। सो गाइस फाइनली हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर हैं एंड अभी देख सकते हैं ये कैब कर रहे हैं क्योंकि हमें एक होटल में जाना है जहाँ योगी सर लोग रुके हुए हैं, तो वहीं पे हम लोग जाएंगे। तो अभी कैब कर लेते हैं फिर कैब से चलेंगे। तो चलिए व्लॉग पर बने रहिए। तो गाइस हमने कैब कर लिया है बट हमारा कैब पता नहीं, तो अभी कैब कर लेते हैं फिर कैब से चलेंगे। तो चलिए व्लॉग पर बने रहिए। तो गाइस हमने कैब कर लिया है बट हमारा कैब पता नहीं, कॉल करके बोला इधर है उधर है, और हमारे साथ ही हमेशा होता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है। देखिए कब से वेट कर रहे, एक तो फ्लाइट में पता नहीं क्या हुआ था प्रॉब्लम, 10-15 मिनट वेट करने के बाद उतरे एंड अभी भी बोला पता नहीं, हम इधर सामान लेके खड़े हैं और वो गए हैं देखने के लिए, पूछने के लिए गए हैं ओला का जो वहाँ पे काउंटर है कि हमारा कैब कहाँ है। तो गाइस अभी हम लोग कैब में हैं, जा रहे हैं होटल की ओर, और 5 मिनट लगेगा वैसे, 30 मिनट वहाँ एयरपोर्ट से बता रहा था, 5 मिनट में अभी कैब वहाँ होटल पहुँच जाएंगे एंड देखते हैं होटल कैसा है। वहाँ पर योगी सर वहीं पे हैं, ठीक है, एंड उनकी वाइफ मतलब हमारी भाभी जी भी वहीं पे आके वो लोग आ गए हैं 4 बजे ही। चलिए अभी जाकर के मिलवाते हैं आप लोगों से भी एंड मैं भी फर्स्ट टाइम मिलूंगा भाभी से, है ना। फाइनली गाइस अभी हम लोग होटल आ चुके हैं, यहाँ पर हो रहा है सारा बुकिंग वगैरह। इधर रहे हमारे योगी सर, नमस्ते सर, चेक इन हो रही है। वैसे बुकिंग हमने कल ही कर लिया था हम दोनों ने मिल करके, अभी इनके एक भाई भी आए हैं साथ में। क्या नाम है आपको? भरत जैन। भरत, आप सर के साथ ही हैं? हाँ मैं सर के साथ हूँ। और इधर मैम से मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ ना, बहुत सारे व्लॉग्स में आप लोगों का मैं देखा हूँ। हाँ, बहुत ज्यादा ट्रैवल करते रहते हैं ना आप लोग। अच्छा, ज्योति के साथ भी फर्स्ट मीट हो रहा है आपका और मेरे साथ भी, है ना। चलिए अभी चेक इन करते हैं उसके रूम में जाते। ये रिसेप्शन में जितने भी हैं भैया लोग सब कोई मेरा संदीप महेश्वरी शो जो है सेशन वो देखे हुए हैं। अभी भी प्ले कर रहे थे ना भैया, दिखाइए जरा फोन में, 403 फोन में आप दिखा रहे थे ना भैया, फोन में दिखा रहे हैं आपको, मैंने देखा कहीं ना कहीं। तो अभी चेक इन हो चुका है हमारा रूम। रूम तो काफी शानदार है, वैसे होटल सर ने ही डिसाइड किया था, अच्छा है, परफेक्ट है एकदम। रूम भी साइज भी अच्छा है ना, डिलक्स किया था हमने। एसी तो होना चाहिए ना इसमें? हाँ, एसी है, टीवी वगैरह सब लगा हुआ है, फ्रिज भी है। वॉशरूम वगैरह कैसा है? चलिए वॉशरूम भी बहुत बड़ा है, परफेक्ट। इधर एक ग्लास भी है कल रेडी होने के लिए, इसका जरूरत पड़ेगा कल बहुत ज्यादा। तो भाई फिलहाल हमारा होटल ही घर है और यहाँ पे देखो नेवली मैरिड कपल्स आ गए, अमीर का वेलकम कर रहे हैं। यहाँ पे मम्मी जी देखो चूड़ा लाई है ज्योति के लिए, ये देख लो आप, ये दोनों चूड़े है ना, देखो एक मिनट, ये है चूड़े। हमारे राजस्थान में क्या होता है कि जो नेवली मैरिड कपल्स होते हैं ना उनको चूड़े दिए जाते हैं, और ये भाई साहब मिल्क केक लेके आया उन्होंने राजस्थान के, और अब इनको खिलाते हैं और पूछते कैसा टेस्ट है इसका। देखो यूमी अच्छा नहीं लगेगा। चलिए चलो, नया नया चूड़ा मिल गया, ये तो खुश हो गई एकदम। मिल्क केक भी देखो, टेस्ट करके बताओ, थोड़ा अलग मिलेगा तुमको एकदम, मैंने बहुत ही अलग मिलेगा वहाँ। आपको जो अभिलाष भैया लेके आया तो 4 फ्लेवर वाला लाए थे क्या? व्हाइट ही था पूरा। अच्छा वो पंजाबी था, ये केसर वाला है, ये हमारे राजस्थान पता है, मतलब ये नहीं खाइए तुम, मैंने यही खाइए लेकिन ऐसा टेस्ट नहीं।